प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी का जो अनुपम उपहार बिहार को दे रखा है, उसके चलते कृषि हमारे लिए स्वाभाविक प्राथमिकता बनी रही है। बिहार सरकार ने इसी तत्व को पहचानते हुए राज्य में कृषि के विकास को समग्र विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसमें डिप एवं स्प्रिंकलर के प्रयोग से सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत की जा सकती है। बिहार सरकार का कृषि विभाग इसी पद्धति को काफी बढ़ावा दे रही है। जब ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में हमें तो कम जो पानी का है वो बचत होता ही होता है। जनरली एक एकड़ के फार्मिंग करने, एक एकड़ में अगर हम इरिगेशन करते हैं तो हमें जो ड्रिप इरिगेशन से जो पानी देते हैं तो हमें आधे से पौने घंटे में हम पूरी इरिगेशन कर लेते हैं, एक इरिगेशन जो हमारे करना होता है। नॉर्मली अगर हम इरिगेशन करते हैं विदाउट ड्रिप इरिगेशन तो हमें 6 से 7 घंटा मोटर या जिस माध्यम से भी हम देते हैं तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। जैसे 1 बीघा अगर हम खेती किए तो उसमें जो है लगाते थे, पहले लेबर लगा के क्यारी बनवाना पड़ता था, फिर अपने से पटाना पड़ता था, ये सब कुछ ने खेत जुताई किए, बॉक किए, उसके बाद पानी अपना जो हफ्ता में 10 दिन में ज़रूरत हुआ अपने स्प्रिंकल पूरा कर दिए, ये बचत हुआ, लेबर कॉस्ट बचा और पानी का बचत हुआ, फ़ायदा ही है। और पानी जो है जितना चाहिए उतना ही मिलता है और खेत उसरता है, इससे फसल बढ़िया होता है, खाद भी देने में आराम है, एक तरह खाद जाता है खेत में। अब तक 12,000 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा चुका है एवं इस योजना से 38,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी के तहत 1,00,000 एकड़ भूमि को आच्छादित करने का लक्ष्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जल और हरियाली सुरक्षित रहेगा तभी हमारे जीवन सुरक्षित है। इस पर राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। इसमें ड्रिप सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर की सिंचाई का व्यवस्था है। ये काम बॉबी पिछले 3 साल में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। लगभग 12,000 एकड़ में 3,800 किसानों के द्वारा अपने खेत में ये सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप या मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने का काम करें, अपना उत्पादन बढ़ावें, अपना आमदनी भी बढ़ाएं। ATM, BTM जो भी हमारे विभाग के सहभागी लोग थे, इन लोगों के माध्यम से हमने जगह ब जगह जाकर के ट्रेनिंग हमने प्राप्त किए और ट्रेनिंग प्राप्त हो जाने के बाद हमने अपने ज़मीन पर स्प्रिंकलर लगाए हैं, जो स्प्रिंकलर की अभी फ़िलहाल में सामने में चल भी रहा है। इससे बहुत बड़ा ही बड़ा किसानों के बीच में फायदा है। फायदा यही है कि यह फुहारे की तरह अल्प सिंचाई भी हो रही है और जो भी कीड़ा मकूड़ा होता है पौधा पर वह झर करके नीचे गिर करके उसको मरना ही पड़ता है।